हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रूपेश, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मुंबई के द्वारा पीएचडी प्रोग्राम्स 2023 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके के नोटिफिकेशन और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मुंबई इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर। द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैविंग कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर एनरोलमेंट इन पीएचडी प्रोग्राम। और जो पीएचडी प्रोग्राम की जो थ्रस्ट एरिया है जिसमें कि रिसर्च इंक्लूड होगी, वो इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद HIV, STI, RTI, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी। और टू एड्रेस रिसर्च क्वेरीज इन दिस एरिया, लेटेस्ट टेक्निक्स इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी आर बींग एम्प्लॉयड। द इंस्टीट्यूट इज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर द अवार्ड ऑफ PhD डिग्री इन लाइफ साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलेटेड है। इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। तो जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो फिजिक्स एक्सेट्रा, और MBBS, BDS ग्रेजुएट्स और MD, MPharm डिग्री होल्डर्स फ्रॉम इंडिया विद एटलीस्ट 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो 55% मार्क्स के साथ लाइफ साइंस की इन ब्रांचेस में से किसी में से एक में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या MBBS या BDS ग्रेजुएट्स और MD और MPharm डिग्री होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनवर्ड्स फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, जबकि 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD कैंडिडेट्स इन एग्रीगेट। तो ये इसके अलावा कैंडिडेट के पास इनमें से कोई एक होना चाहिए, वो क्या है? PhD एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इन एनी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोफिजिक्स, बायो एनालिटिकल साइंस और मॉलिकुलर बायोलॉजी। इनमें से PhD एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा। जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है PhD के लिए, इन सब्जेक्ट में से किसी एक में क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर CSIR, UGC नेट, JRF और LS और GATE लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी विद वैलिडिटी अप टू दिसंबर 2023, और JRF एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल एजेंसी सच एज ICMR, DBT, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से एक कोई फेलोशिप होनी चाहिए, या वैलिड DST इंस्पायर फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट ने MH महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइफ साइंस में क्वालिफाई के हो वो भी। तो इन चारों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए प्लस मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा एज लिमिट की हम बात करें तो अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स एज ऑन 30 June 2023 फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी, एंड एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स 33 ईयर्स फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, अप टू 3 ईयर्स 31 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन। एंड हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल एट द NIRRCH वेबसाइट। आप वेबसाइट यहाँ से नोट कर सकते हैं www.nirrch.res.in। और जो PhD के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म या लिंक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं http://phdaplpli.nirrch.res.in should be duly filled and submitted online on or before 3rd July 2023। ये जो एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है यहाँ 3 जुलाई 2023 दी गई है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो ये एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 28 जुलाई, अप टू 28 जुलाई 2023। तो आप इसमें 28 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ,
इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, हैज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो नेट बैंकिंग के थ्रू NFT IMPS के थ्रू एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसीजर जो है, द नेम्स ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम फॉर द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द NIRRCH एंड ICMR वेबसाइट्स। द लिस्ट ऑफ PhD गाइड्स एंड टेंटेटिव टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर देम वुड बी गिवन टू द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बिफोर द फाइनल इंटरव्यू। फाइनल सेलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो जो फाइनल सेलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। और फेलोशिप है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु हैव पास्ड GRF एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई CSIR, UGC, ICMR और DVT कैन अवेल फेलोशिप एज पर द रूल्स ऑफ रेस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी। एंड नॉन फेलोशिप होल्डर्स और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इनमें से कोई भी फेलोशिप नहीं होगी विल बी प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप ऑफ ₹8,000 पर मंथ। तो उन कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगी ₹8,000 पर मंथ ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क एंड PhD प्रपोजल प्रेजेंटेशन। इट विल बी फॉर 2 years ओनली एंड लेटर दी स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू सीक फेलोशिप फ्रॉम अदर फंडिंग एजेंसीज। इसमें हॉस्टल फैसिलिटी, वुमेन कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर PhD में अवेल हॉस्टल फैसिलिटी अपॉन रिक्वेस्ट एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 11 जून 2023 को स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड अप टू 28 जुलाई 2023। तो लाइफ साइंस के रिसर्च एरियाज में जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें PhD करना चाहते हैं तो इसमें 28 जुलाई 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।